हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सो इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक्स यू वी सेवन हंड्रेड एम एक्स मॉडल बेस मॉडल का जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो चलता नहीं है और इस वाली वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि कैसे आप इसका एक तो सिस्टम चला सकते हैं दूसरा फीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं जबकि सिस्टम नहीं चल रहा है सिस्टम फ्रीज है स्क्रीन फ्रीज है तो आप म्यूजिक कैसे चला सकते हो एफएम कैसे चला सकते हो और कॉल्स वगैरह या सीरी वगैरह गूगल असिस्टेंट वगैरह कैसे चला सकते हो और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर की मेमोरी uh, को एक बार डिलीट करके दोबारा इसको दो तीन एक दो दिन के लिए टम्प्रेरी कैसे चला सकते हैं उसमें अटकेगा नहीं कैश वगैरह डिलीट करके तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ गाड़ी ऑन कर ली है और सिस्टम चला दिया है सिस्टम वर्क भी कर रहा है बट बट यहाँ से म्यूज़िक वॉल्यूम वगैरह या सीख वगैरह ये सारे बटन काम कर रहे हैं और नीचे से भी काम कर रहा है जैसे कि ये होम पे चले गया और ये स्क्रीन सेवर इनेबल हो गया डिसेबल हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको एफ़ चलाना है तो वो क्या चला सकते हैं आप एफ के लिए क्या है कि सु... Uh, या तो सीधा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हो तो जैसी गाड़ी में बैठोगे तो एफ uh, एम चला हुआ होता है पहले से ही एफ एम चला हुआ होता है पहले से ही जैसे आप गाड़ी में बैठोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है बस वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए जैसी वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो वो FM चल जाएगा और अगर आपको अब आप वॉल्यूम तो बढ़ा दिए बट आपको अब आगे वाले स्टेशन पे जाना है तो वो कैसे जाओगे तो उसके लिए सीख दबाओगे तो वो एक पॉइंट वन सेशन आगे भेज देगा जिसमें कि स्टैटिक होता है बहुत सारा तो उसके बच उससे बचने के लिए क्या करना है आपको या तो आ, मैं शुरू से बताता हूँ क्या कर सकते हो आप तो पहले सोर्स दबाइए सोर्स जैसे दबाओगे तो वो रेडियो खोल देगा आपको ठीक है अब रेडियो के लिए ये यहाँ पर सीख है देखिए एस ई ई के वॉल्यूम के साइड में सोर्स के नीचे आ, सीरी के ऊपर तो जैसे ही आप सीख को होल्ड करोगे प्रेस एंड होल्ड मतलब ऊपर की तरफ करके होल्ड एक सेकंड के लिए तो वो ऑटो सीक करेगा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं देखना तो जब ये ऑटो सीक कर रहा है तो ये अगला एफएम स्टेशन खोल दे रहा है अपने आप ये देखिए पीछे जाना है तो नीचे की तरफ करो ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ करो ठीक है कैसे करेगा पीछे जाना है तो नीचे की तरफ ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ और ये अगले स्टेशन पे पहुंचा देगा आपको जिसमें कि स्टैटिक नहीं होगी जो कि पूरा का पूरा वर्किंग स्टेशन होगा खदर खदर आवाज़ नहीं आएगी साफ़ आवाज़ आएगी तो एफ के लिए आप ये कर सकते हैं और आपको अगर गाने चलाने हैं अपने ब्लूटूथ तो से इसमें गाने चलते हैं और एफएम चलता है इसमें कुछ ज़्यादा चलता नहीं और चलता है और उसमें एंड्रॉयड ऑटो वगैरह तो है नहीं कि हम मैप वगैरह खोल लें मेरे तो तीन काम आता है ये एफ चलाओ गाने चलाओ या फैमिली वगैरह से बात करनी है तो उनका कॉल आता है वो कॉल उठ जाता है तो अगर आपको गाने चलाने तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे आप गाड़ी में बैठते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा आता है कि मांग्स फोन कनेक्टेड मतलब जो भी आपका नाम है आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया है और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है और सारा का सारा जो फ़ोन बुक डेटा है वो भी कंप्लीट हो गया ऑन हो गया है तो गाड़ी में बैठोगे वो ऑन हो जाएगा अपने आप बट आप अगर वो स्क्रीन काम नहीं कर रही ना तो आप म्यूज़िक पे क्लिक करके चला नहीं सकते म्यूज़िक को म्यूज़िक म्यूज़िक पे क्लिक करके म्यूज़िक चला नहीं सकते तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सोर्स पे जाना है और जैसे ही ब्लूटूथ खुलेगा ये ब्लूटूथ अपने आप खोल देगा देखो एक बार सोर्स पे गए अब रेडियो खुलेगा अब ब्लूटूथ खुलेगा अब रेडियो अब ब्लूटूथ ये रेडियो खुलेगा आप देखना तो ठीक है और अब रेडियो के बाद खुलेगा ब्लूटूथ ठीक है ब्लूटूथ खुल गया अब आपको जैसे ही गाना चलाओगे अपने फोन से ब्लूटूथ से तो वो वर्क करने लग जाएगा देखिए जैसे ही आप गाना चलाओगे वो वर्क करने लग जाएगा। मैंने वहाँ पे कुछ बटन नहीं दबाया है यहाँ से ही चलेगा यहाँ से ही बंद होगा देख लीजिए ये ऑन हो गया और यहीं से सीख कर दो या तो अगला गाने के लिए ठीक है या अगर यहाँ से नहीं करना है तो अब सीख भी चलेगा अब बस क्योंकि स्क्रीन नहीं चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि बटन नहीं चल रहे बटन हमेशा चलते हैं बटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है महिंद्राई गाड़ियों में तो बटन ऊपर वाला कर दोगे तो अग, अगला गाना चल जाएगा इसके ऊपर कर लोगे तो अगला गाना चल जाएगा ऐसे ये वर्क करता है इसके लिए आप पूरी प्ले डाल दो अगर आपको सीक नहीं करना बटन नहीं दबाना पूरी प्ले डाल दो पूरी प्ले चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे स्पॉट जैसे आपने स्पॉटिफाई खोला और ये पूरी किंग मिक्स चलाना है जैसे आपको तो इसमें जैसे चला देंगे आप सारे के सारे गाने अपने आप चल जाएंगे अब इसमें अगला गाना स्टार्ट होते ही ये दूसरे पे सीख कर लेगा तीसरा स्टार्ट होते ही ये तीसरे पे सीख कर लेगा अपने आप इसमें आपको सीख करने की भी ज़रूरत नहीं है या YouTube चला रहे हैं तो YouTube में एक एक प्लेलिस्ट खोली उसके बाद जो, जो सारी प्लेलिस्ट है वो अपने आप चलनी हो जाएंगी चल आ, चलना शुरू हो जाएंगी और आगे जाना है तो सीख कर दीजिए जो आपको बताया है एफ के लिए वॉल्यूम दबा दो या सोर्स में जाके यूज़ कर लो अगर आपका और कुछ भी कनेक्टेड है जैसे कि अगर आई कनेक्टेड है तो आई आई जैसे ब्लूटूथ के बाद सोर्स दबाओगे तो आई पॉड पर चले जाएगा मेरे में बस रेडियो और ब्लूटूथ कनेक्टेड है वो दो चीज़ें चलती हैं अगर यूएस भी कनेक्टेड होती है तो यू भी चलता माई ड्राइव में अगर आ, मैंने गाड़ी के अंदर ही गाने डाले होते तो वो भी चलता बट मैंने वो डाल नहीं रखे तो वो चलता नहीं है और ये हो गई दो चीज़ें कैसे यूज़ करते हो आप इसको ये सोर्स का बटन है ये सोर्स का बटन ही सारा का सारा खेल है मेरे भाई ने कल ऐसे ही खेलते खेलते में ये आ, क्या कहते हैं डिस्कवर करी है नई चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ अब और अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि अगर आपको स्क्रीन ही चलानी है तो स्क्रीन कैसे चलाओगे आप कि आपको ये सब अब नहीं करनी आपको सीधा स्क्रीन चलानी है तो वो कैसे चलाएंगे आप तो उसके लिए क्या करना है हमको मैं दिखाता हूँ आपको तो उसके लिए क्या करना है आपको ये गाड़ी ऑन है इसी ऑफ कर दूँ तो उसके लिए आपको गाड़ी पूरी तरीके से ऑफ़ करनी है हाथ में चाबी ऑफ करनी चाबी निकाल ली गुड बाय होने दो सब कुछ होने दो अब उसके बाद आपको ये गाड़ी को लॉक करना है गाड़ी लॉक हो गई है अब आपको कम से कम पाँच मिनट रुकना है पाँच मिनट कई बार जल्दी भी हो जाता है अगर ट्राई करो तो पर आपको पाँच मिनट रुकना है गाड़ी को अच्छे से बंद होने दो और फिर जब ऑन करते हैं तो क्या होता है ना कि पूरा सिस्टम रीसेट होता है मैंने कल ही एक बंदे की वीडियो में देखा उनके पास भी एम पेट्रोल मॉडल है तो उन्होंने अच्छे समझाया तो उनके ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे तो मेरे चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ पहुंच गए थे एमएक्स वाले लोगों के तो मैंने सोचा कि एक बार मैं बना के डाल देता हूँ और जैसे ही पाँच मिनट हो जाएंगे आपको इसको री करना है गाड़ी को ये आप जब तक इंटीरियर वगैरह वगैरह देखना है तो देख लीजिए जो एम एक्स मॉडल के लोग नहीं है वो देख रहे हैं वीडियो तो साइड में हैरियर हरियाल एक गाड़ी नो ठीक है तो पाँच मिनट के आसपास हो गए होंगे अभी तो नहीं हुए शायद तो गाड़ी तो चाबी अभी मुश्किल होती है उसने स्कॉर्पियो में बहुत ईजी ये लग गई है चाबी अब मैं दो मिनट लगा हाँ तो जैसे कि अब मैं ऑन करूँगा इसे अब ऑन कर दिया मैंने ऑफ करे बिना ऑन कर ऑन करने बिना ऑफ कर ऑन गाड़ी अनलॉक करे बिना ऑन कर दी थी तो वो बीप्स बच गई थी ये बीप्स इसमें ऑन ऑफ करने वक्त भी आनी चाहिए क्योंकि कई बार मैं शादी वगैरह में गया था एक दिन तो दूर खड़ी थी गाड़ी तो मेरे को ढूंढनी थी अब वो मिली नहीं ऑन करो तो इसमें कुछ आवाज़ ही नहीं बस छुक् छ वो जो केबल्स की होती है गेट की वो आवाज़ थी इनकी जो आवाज़ होती है वो आवाज़ थी तो अब मैंने ऑन करी है गाड़ी पूरी स्टार्टिंग से ऑन हुई है तो आप देखोगे कि, कि स्क्रीन वर्क कर रही है ठीक है तो ये मैंने पास से दिखाऊं सारी ये देख ली स्क्रीन वर्क कर रही है सारी सारी चीज़ें वर्क करेंगी इसकी देखिए ठीक है हाँ अब लास्ट चीज़ ये है कि अगर आपको टेम्प्रेरी फिक्स चाहिए एक एक दो दिन का टेम्प्रेरी फिक्स उसमें आपको ऑन ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने ट्राई करा हुआ है उसके लिए आपको क्या करना है इसकी सॉरी इसकी इंजीनियरिंग सेटिंग्स खोल है इंजीनियरिंग सेटिंग्स क्या होती हैं इंजीनियरिंग सेटिंग्स होती हैं कि एक एंड्रॉयड की सारी की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं जिसमें उसका सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह या जो भी उसका स्पेक्स हैं वो सब बताते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि इस एंड्रॉयड में क्या है कि इस ये सेटिंग बटन को गेयर आइकन को आठ बार पुश करना है ये पुश करते ही आपकी इंजीनियरिंग सेटिंग्स खुल जाएंगी आप देखिए ठीक है इंजीनियरिंग मेन्यू खुल गया उसके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है मेन बोर्ड वी पी इंफ्रो बोर्ड एम ए आई बी आई डिस्प्ले वगैरह माइक टेस्ट सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग आपने देखा होगा पुराने फ़ोन में भी करते थे हम सैमसंग वगैरह में तो इसके अंदर आपको क्या करना इसके आपको है इसके अंदर आपको कैश रीड करना है और इसके अंदर कौन सा कैश है इसके अंदर है डालविक कैश तो डालविक कैश आपको मिलेगा ये डीबर लॉगिंग में डीब लॉगिंग में आप जाएंगे यहाँ पे आपको लिखा होगा क्लियर डेलविक कैश इसको आप क्लिक करेंगे अब ऊपर लिखा है क्लीनिंग डेलविक कैश अब ये डेलविक कैश को क्लियर करेगा अब ये बोलेगा कैश क्लियर प्लीज रिस्टार्ट दौर तो अब हमें क्या करना है, है। गाड़ी को ऑफ कर दिया अच्छे से दोबारा हाथ में चाबी आ गई हमारे गाड़ी को गुड बाय बोलने दीजिए ओके अब गाड़ी अच्छे तरीके से बंद हो गई है वहाँ आइकन देख लिया होगा आपने लॉक का अब गाड़ी को हमने लॉक किया अनलॉक किया सॉरी लॉक किया ठीक है लॉक हो गई गाड़ी अब इसके बाद पाँच सात सेकंड बाद हमने गाड़ी को अनलॉक करना है अनलॉक हो गई गाड़ी अब हमें चाबी को घुसाना है और गाड़ी को ऑन करना है अब ये अगर डालवी कैश क्लियर हो गया है और दोबारा से गाड़ी ऑन करी हमने तो इसकी स्क्रीन जिस समय चल रही हो उसी समय ये एट गेयर एट टैप्स ऑन गेयर वाला सिस्टम सीन होगा बट इसके बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि गाड़ी दो तीन दिन तक ना फ्रीज नहीं होती स्क्रीन और ना यहाँ पे एरर्स आते हैं सब कुछ ठीक चलता है कुछ दिक्कत नहीं आती अभी तक तिरालिस, तिरालिस। नाइस तो ये दिक्कत दो दिन तक दो तीन दिन तक ठीक हो जाती है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अगर आपके में जल्दी ख़राब हो जाए स्क्रीन ये करने के बाद भी तो मैं कुछ नहीं कह सकता बट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि स्क्रीन चलती रहती है स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं आती ये है सीन और अगर ये सब आपको समझ नहीं आया या और कोई आपको क्वेरी हो प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करिएगा या डीएम करिएगा इंस्टाग्राम पे और मैं ट्राई करूँगा कि कैसे सॉल्व करी जाए और एक आधी वीडियो एक्स्ट्रा बना के या आपको मैसेज करके और एक और चीज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी शायद मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऐट द रेट मयंक एम ए वाई एन के बी एच एम ए तो आप आ, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करिए कि सर मेरे को मयंक मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जो कि एक्स यू वी सेवन हंड्रेड एम एक्स यूज़र्स के लिए ही है बस लिख दीजिए कि भाई मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ले लो या ले ले यार और मैं आपको ऐड कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि सिर्फ एमएक्स मॉडल वाले यूज़र्स का है फिर हम वहाँ पे वॉइस उठाएँगे कि जैसे हमें एंड्रॉय डॉटो प्रॉमिस करा गया था बट अभी तक हमें एंड्रॉय डॉटो नहीं मिला है गाड़ी मेरे को लिए सात महीने हो गए हैं एक भाई था एक भाई थे तो उनको शायद एक साल होने वाला है गाड़ी को और अभी तक कोई नहीं मिला उन्हें एंड्रॉय आटो वगैरह बस उन्हें भी यही बोल देते हैं कि सर वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई डोंट थिंक ए आर वर्किंग ऑन इट जस दे आर जस्ट फूलिंग पीपल हु गॉट द बेस्ट मॉडल एंड आल्सो इन टॉप मॉडलो एक्स फाइव एक्स सेवन पीपल आर फेसिंग इशूज इन विच दे आर स्क्रीन आर गेटिंग री स्टार्ट ऑल ऑफ ए सडन एंड एंड्रॉयड ऑटो इज नॉट वर्किंग क्लियरली बट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग दिस बिकॉज आई हैव द बेस्ट मॉडल एंड इन द बेस्ट मॉडल इवन द स्क्रीन इज नॉट वर्किंग लाइक इट शुड सो हम वॉइस उठाएंगे कि कैसे हम ऊपर के जो एग्जीक्यूटिव हैं आनंद महिंद्रा या और जो दूसरे लोग हैं ऑफिसर्स वहाँ तक बात पहुँचे किसी तरीके से और ट्राई कर सकते हैं हम और कुछ तो कर नहीं सकते अब इतने ज़्यादा हम ना फेमस हैं ना कुछ हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे बट तो हम ट्राई कर सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे बट जो मैंने आज आपको सॉल्यूशंस बताया उसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी तो ईजी होगी गाने या एफ एम वगैरह चलाने में क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो इसमें चलता ही नहीं है चाहे स्क्रीन चले या ना चले क्या ही करोगे उसका तो वो सीन है तो मेरे को बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी बताइए कमेंट्स में और मैं पक्का ट्राई करूँगा कि तो वो कैसे सॉल्व कर जाए ओके थैंक यू